स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर माइनस टू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देखिए जेड का डिफ्रेंसेशन एस के रिस्पेक्ट में हुआ है और जेड का डिफ्रेंसेशन वाई के रिस्पेक्ट में हुआ है, मतलब जेड इज डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई। तो हम जेड इक्वल क्या एग्जूम करेंगे, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। याद रखना क्वेश्चन को देख के ही आपको जेड का वैल्यू डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ जेड का जो वैल्यू है, जेड जो है वह एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने जेड इक्वल क्या एग्जूम किया, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, वेयर कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। अब डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स डेस वाई, क्योंकि जेड इक्वल टू एक्स वाई है और एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो ये एक्स का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है, तो हम डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे तो आएगा एक्स डेस वाई। डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर होगा एक्स डबल डेस वाई, और डेल जेड बाई डेल वाई जब निकालेंगे तो एक्स वाई डेस आएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में एस कॉन्स्टेंट रहेगा तो आ जाएगा एक्स इंटू वाई डेस। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलेगा जी। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एक्स वाले को लेफ्ट साइड ले आते हैं और वाई वाले को राइट साइड, सेपरेट हमने कर दिया है ना, क्योंकि इस मेथड का नाम ही आप देखिए क्या लिखा है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल को आपको सेपरेट करना है ना, अलग अलग, लेफ्ट साइड में एक्स आ जाएगा और राइट साइड में वाई। तो लेफ्ट साइड में एक्स आ गया और राइट साइड में वाई। अब इसको हमने एग्जूम कर लिया स्मॉल ए, स्मॉल ए कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू भी स्मॉल ए आया, इसका वैल्यू भी स्मॉल ए आया। तो हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर फोर। पहले इक्वेशन नंबर थ्री को सॉल्व करेंगे फिर फोर को, है ना। यह एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, एक बार बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कैपिटल डी के फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स डेस को लिखेंगे कैपिटल डी एक्स और एक्स डबल डेस को डी स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सब में एक्स कॉमन है। सबसे पहले हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो डी के प्लेस पे एम लिख देंगे और इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ये एस को हम नहीं लिखेंगे, है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे, केवल डी के प्लेस पे एम लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एम का वैल्यू मिलेगा, एम के दो वैल्यूस आ रहे हैं। अब आंसर कैसे लिखते हैं, सी एफ कैसे आएगा इसका, इसका सी एफ आएगा सी वन ई की पावर ए जो एम की वैल्यू है प्लस सी टू ई की पावर एम का जो सेकंड वैल्यू है। पी आई जीरो होगा क्योंकि राइट साइड जीरो है। एक्स इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ के वैल्यू रख दीजिए, पी आई तो जीरो है, ये हमारा कैपिटल एस की वैल्यू आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी कैपिटल डी के फॉर्म में लिखेंगे, ये आएगा कैपिटल डी वाई प्लस डी वाई ए वाई इक्वल टू जीरो, इसके लिख सकते हैं डी प्लस ए वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम प्लस ए इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ सी एफ आएगा सी ई की पावर माइनस ए वाई, सी ए कांस्टेंट है। याद रखना एम की वैल्यू पर ए सी एफ हम निकालते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट ईयर आप लोगों ने सीखा होगा, एक बार मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से निकालते हैं। अब पी आई इजिकल टू जीरो है तो वाई इजिकल टू हो जाएगा सी ए प्लस पी आई, तो वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी आई तो जीरो है हमारा। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालिए, कैपिटल वाई की वैल्यू निकालिए, रख दीजिए, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है इंटू ये कैपिटल वाई की वैल्यू है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोगों को सी एफ निकालना एक बार सिखा देता हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, अगर एम के वैल्यू एम वन एम टू आ रहा है तो सी एफ होता है सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स, इस प्रकार से, है ना। अगर एम का सिंगल वैल्यू एम वन है तो सी एफ क्या होगा, सी वन ई की पावर एम वन एक्स हो जाएगा। अगर एम वन एम वन रिपीट हो रहा है तो मान लो एम वन दो बार आ गया, है ना, एम की वैल्यू एम वन आया फिर एम वन आया, तो सी एफ क्या होगा, सी एफ आ जाएगा सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस एक्स सी टू ई की पावर एम वन एक्स। तो ये सब याद रखिए, है ना, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तब ये काम आता है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व। तो यहाँ पर देखो यू का डिफरेंशियल एक्स और टी के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो u इज इक्वल टू एक्स टी ले लिए, x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। तो डेल u बाई डेल x क्या आएगा, x डेस t आएगा, डेल u बाई डेल t क्या आएगा, x t डेस आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें रख दीजिए, ये हमारा x डेस t है, ये हमारा t डेस है। अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था लेफ्ट साइड में x को ले आना है और राइट साइड में t को,
मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, इक्वल टू ए लेना है, इतना इक्वल टू बी ए आया, इतना इक्वल टू बी ए आया, तो मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशन आ गए। अब पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर सेकंड इक्वेशन को। इस प्रकार से फर्स्ट को हमने सॉल्व किया तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, एम क्यू एल निकला तो एम सी एफ निकल गया, पी आई तो जीरो होगा, राइट साइड जीरो है तो एस क्यू एल मिल जाएगा। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन आया एम के लू ए आ रहा है तो हमारा सी एफ आ गया, पी आई जीरो होगा, टी का वैल्यू मिल गया। अब एक्स और टी का वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर टू ये है हमारा यू इक्वल टू एक्स टी, एक्स का वैल्यू रख दो टी का वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सी वन इंटू सी टू दो कॉन्स्टेंट, इसको स्मॉल सी नाम दे दिए। अब ये क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए एक्स तो एक्स है लेकिन टी की जगह क्या लिखा है जीरो, तो टी की जगह जीरो रख दो तो यू एक्स जीरो पता चल जाएगा, एक्स को एक्स ही रखो टी को जीरो रख दो। इसका वैल्यू क्या है सिक्स ई की पावर माइनस थ्री एक्स, कंपेयर करो सी इजकल टू सिक्स आएगा और टू ए माइनस प्लस वन इजकल टू माइनस थ्री, ए का वैल्यू माइनस टू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस थ्री हो गया, इसका वैल्यू माइनस टू हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिलेगा। तो एक बार इसको नोट कीजिए कॉपी में और जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए।